साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने रोज़ा रसूल पर पीटीआई के कारकुनान की नारेबाजी की शदीद मज़म्मत की है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज नमाज़े जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा मक्का मुकर्रमा में मुसलमान अल्लाह के मेहमान रोज़ा रसूल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं। जिन लोगों ने वहाँ उद्दम मचाया खुदा उन्हें निस्तो नबूद करे। शेख रशीद की जानिब से लोगों को इख्तियार दिलाना नाकाबिले गिरफ्त है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तानी हुकूमती वफ्द के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग उनके साथ क्या सलूक करते हैं। शेख रशीद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वफ्द की सऊदी अरब रवानगी से पहले की थी। चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हालिया वाक़े पर रद्दमल अभी तक सामने नहीं आया। ताहम माजी में वो अपने हलीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतजिर हैं कि लोग इन लीडरान के साथ कैसे पेश आते हैं। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियाँ नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग इनकी आवाम इनसे क्या करेंगे, मैं उसके इंतजार कर रहा हूँ। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें के एन एन न्यूज़ लाइव।